हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आए हुए हैं द्वारका में, सेक्टर वन में, जहां पे हो रहे हैं दिल्ली ओलंपिक गेम्स फॉर जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप। और इस चैंपियनशिप में यहां पे जूनियर बच्चे आए हुए हैं, और जैसे कि दिल्ली ओलंपिक्स बहुत सारे गेम्स में अपना कंट्रीब्यूशन देता रहता है, बच्चों को गेम्स के लिए प्रोत्साहन करता रहता है, तो उसके लिए भी हम सर से बात करेंगे किस तरह के आने वाले इवेंट्स और भी प्लान कर रखे हैं दिल्ली ओलंपिक्स ने और किस तरह से बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते। तो चलिए बात करते हैं यहाँ के ऑफिशियल से। दोस्तों, हमारे साथ मौजूद हैं इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जिन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया है, मिस्टर कुलदीप बजी जो प्रेसिडेंट हैं दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन के। तो उन सर से बात करते हैं अबाउट दिस ऑल इवेंट। अच्छा सर, हम यहाँ देख रहे हैं दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से इस तरह के इवेंट्स रेगुलर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन फ्यूचर में जैसे प्रो कबड्डी होता है, प्रो लीग्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट गेम्स की, तो दिल्ली ओलंपिक्स उसके लिए क्या तैयारी करते हैं? पहली बात तो आपको बताऊं, लीग से भी बहुत बड़ा प्रोग्राम दिल्ली ओलंपिक गेम्स होता है, जिसमें के सारा स्पोर्ट्स होता है, पूरा जितनी भी एसोसिएशंस हैं वो सब उसमें इन्वॉल्व होती हैं, सारे प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन हम वो प्लान भी बना रहे हैं, जैसे आपने कहा कि लीग कराने के लिए दिल्ली ओलंपिक तो लीग भी कराने की, अब हमारा क्योंकि दो साल तो ऐसे ही चला, इसमें तो स्पोर्ट्स हुआ नहीं, अब जैसे ही स्पोर्ट्स पूरा शुरू होगा हम इस बारे में विचार कर रहे हैं और बातचीत करके इस काम को शुरू। अच्छा सर, जैसे कि कई सारी एसोसिएशंस हैं जो दिल्ली ओलंपिक के साथ में काम करती हैं, और कुछ नई एसोसिएशंस भी हैं जो दिल्ली ओलंपिक के साथ में जुड़ना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि सबसे बड़ा एक होता है ना ओलंपिक चार्टर, ओलंपिक चार्टर में खाली ओलंपिक्स जो गेम्स हैं जो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी उसको मानती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जिसको मानती है वही नेशनल ओलंपिक कमेटीज़ को फॉलो करना पड़ता है। तो जो आज के दिन आपको मालूम, आप देखा होगा कि अदर देन जो ओलंपिक गेम्स हैं, डेली एक आदमी आता है कोई भी, कम ये करा रहे हैं जी, हमें एफिलिएशन दे दो, ये कर दो, रिकॉग्निशन दे दो, लेकिन उन गेमों के बारे में कुछ मालूम ही नहीं, ना वो तो ग्रामीण खेल कूद है, ना वो कोई ओलंपिक गेम है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ से ये स्पोर्ट्स आ रहा है, लोग अपने फ़ायदे के लिए वो कर रहे हैं, उसके बारे में से सोचना पड़ता है हमें, क्योंकि हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है जो हमें डायरेक्शन देगी हमें उस पर चलना पड़ता है। लेकिन कुछ गेम ऐसे हैं जो कुछ मार्शल आर्ट्स में दो चार गेम अच्छे आ गए उनको, जैसे भी ताइक्वांडो है, ये तो ओलंपिक गेम है, कराटे भी नहीं था वैसे, कराटे में भी आपने पता ही जो चलता है, लेकिन और दो चार गेम जो आते हैं जो मशहूर हो जाते हैं, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर स्पोर्ट्स रिकॉग्निशन दे देती है, उसका उन गेमों का भी हम ध्यान। सर, कई सारे ऐसे एसोसिएशंस भी होते हैं, ऐसे बच्चे भी होते हैं जो आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो उनके लिए दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन किस तरह से कंट्रीब्यूट करती है? जो हमारे से रिकॉग्नाइज्ड हैं, आइसोलेटेड हैं, उनका तो हम पूरा ध्यान रखते हैं, बाकी का तो हमें पता नहीं लगता कौन कहाँ कहाँ कर रहा है, तो उनको हम पूरी मदद करते हैं, उनको किस चीज़ की दिक्कत होती है स्पेशली, वो हमने सबको बोल रखा है, कोई बच्चा कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, कोई और है, पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता, तो उसको हम पूरी मदद करते हैं। तो सर, थैंक यू वेरी मच, आपने इतने अच्छी तरीके से चीज़ों को समझाया। दीपक सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द चैनल। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी गेम्स हो रहे हैं आफ्टर कोरोना, और अभी जैसे कुछ न्यूज़ भी आ रही है कि कोरोना के नए वेरिएंट्स को लेके काफ़ी सारे दहशत है लोगों में, तो यहाँ मैंने देखा है कि काफ़ी सारे गाइडलाइन फॉलो की जा रही है, भीड़ को कम से कम रखा गया है, तो उसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे? हाँ, जैसा कि ये सारा इंतजाम हर्षप्रीत जी ने, के सारा एफर्ट है इनका, इन्होंने जैसे हमें बताया कि हम कम से कम लोगों को टूर्नामेंट करना चाहते हैं और पूरे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत हमारे 750 बच्चे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको छोटे छोटे तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और जितना छोटा ग्रुप होता है उनको कंट्रोल करना उतना आसान होता है, गाइडलाइंस को फॉलो करना उतना आसान होता है, तो इन सब चीज़ों को रख के बहुत ही थॉटफुली ऑर्गेनाइजर्स और हर्षप्रीत ने ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है, और इसको देख के हम बहुत इंप्रेस्ड हैं जिस तरह से इस इतने डिफिकल्ट टाइम में ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। अच्छा सर, आप पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को अब धीरे धीरे फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ उनको भेजना चाहिए, जिस तरह से कोरोना का धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है? एब्सोल्युटली, आफ्टर पैंडेमिक सारे दुनिया को समझ में आ चुका है कि हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ, और जो जितने भी वायरसेस हैं सबका सबसे बड़ा जो रोग है वो है आपकी इम्यूनिटी, और स्पोर्ट्स ही एक ऐसा एवेन्यू है जहाँ पे आप अपनी इम्यूनिटी को नेचुरली बिल्डअप कर सकते हैं, इसके लिए ना आपको मेडिसिन की ज़रूरत होती है, ना कोई
उस परहेज की जरूरत होती है। तो यदि आप एक एथलेटिक, आपकी यदि बॉडी एथलेटिक है, आपके फेफड़े एथलेटिक है, तो आपके फेफड़े भी उतने ही कैपेबल होंगे। सो इम्यूनिटी बिल्डअप करने के लिए स्पोर्ट्स सबसे अच्छा वेन्यू है। इसलिए लोग सभी जगह सरकारों का और सभी लोगों का आफ्टर पेंडेमिक स्पोर्ट्स की तरफ जो देखने का नज़रिया है वो बदला। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दी। सर मैं आपसे एक अबाउट दिस पर्टिकुलर इवेंट कुछ जानना चाहूँगा कि ये यहाँ पे जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है किस कैटेगरी में है, और यहाँ पे जो बच्चे शॉर्टलिस्टेड होंगे या विनर्स होंगे उनके लिए क्या आगे है? देखिए, ये दिल्ली ओलंपिक एसोसिएशन है, उसके अंडर में एक दिल्ली ओलंपिक गेम होता है जिसमें टैकोनो भी एक इवेंट है। तो उनमें बच्चे की एंट्री बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो टूर्नामेंट नहीं हो पाए थे। तो जैसे ही गवर्नमेंट गाइडलाइन हुई हैं उनके अकॉर्डिंगली हमने ये टूर्नामेंट कराया है, और बच्चों को एक मौका दिया है कि वो इतने टाइम से जो घर में हैं वो एक इवेंट कर सकें और स्पोर्ट्स से दोबारा जुड़ सकें। तो हमने बायफर्गेट करके उन बच्चों को अलग अलग इवेंट करा रहे हैं, तो उनमें से एक इवेंट ये भी है। तो सर यहाँ पे किस इस ग्रुप के बच्चे में से आए हैं? ये जूनियर वेट कैटेगरी है हमारी। टैकोंडो में चार वेट कैटेगरीज होती हैं, सब जूनियर, कैडेट, जूनियर और सीनियर। ये जूनियर वेट कैटेगरी के बच्चे हैं, बॉयज एंड गर्ल्स, उनकी चैंपियनशिप। Thank you very much, sir, for this valuable information. धन्यवाद सर। दोस्तों मेरे पीछे यहाँ पे गेम्स अभी भी चल रहे हैं, बहुत अच्छा इवेंट अभी तक चल रहा है। बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से यहाँ पे सारे चीज़ें अरेंज की गई हैं, सारी कोविड की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। और आप देख सकते हैं मेरे बैक साइड में फाइट्स अभी भी कंटिन्यू है। अभी काफ़ी सारे मेडल्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं लोगों को, कुछ मेडल्स अभी डिस्ट्रीब्यूट करना बाकी है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से, जिन्होंने ये ओवरऑल गेम का आज यहाँ पे अरेंजमेंट किया है। और बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है, जिस तरह से कोविड गाइडलाइंस यहाँ पे फॉलो की जा रही हैं, बच्चों को एक ग्रुपिंग्स में नहीं रखा जा रहा अंदर, जिसके गेम्स हैं फाइट हैं वही सिर्फ अंदर जा रहे हैं। तो इस गेम के बारे में और ज़्यादा डिटेल से बात करते हैं सर से। सर वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच सर। सर हमारे दर्शकों को बताएंगे किस तरह का यहाँ पे अरेंजमेंट है और आज क्या इवेंट हो रहा है यहाँ पे? सर अरेंजमेंट की बात करूँ तो कुछ लोगों को थोड़ा बुरा सा लग रहा होगा कि अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि हर चैंपियनशिप में देखते हैं हम लोग को बहुत भीड़ होती है, एक बच्चे के साथ तीन दिन चार चार कोचेज होते हैं। तो हमने जो कोविड का सबसे पहला रूल है वो डिस्टेंस जो मेंटेन करना है, वो मैंने और मेरी टीम ने बहुत अच्छे से किया है। हम इस इवेंट के लिए मानेंगे रात रात जागे हैं हम लोग, एक एक फॉर्म अलग करना और हर बच्चों को यहाँ सेपरेटली बिठाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट था, लेकिन टीम होती है जो कहते हैं ना, टीम कहती है जो वर्क साथ होता है, तो आज इस टीम ने काम करके दिखाया सर। अच्छा सर यहाँ पे लगभग कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया? अराउंड 150 पार्टिसिपेंट्स हैं, और पूरे ओवरऑल दिल्ली से करीबन 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सभी डिस्ट्रिक्ट और प्लस स्कूलों से जो स्टूडेंट्स हैं। अराउंड एक्चुअली गैदरिंग तो बहुत ज़्यादा होनी थी, बट कोविड के चक्कर में बहुत कम बच्चे बैठ आने थे, नहीं तो इसमें करीबन 450 बच्चों के आसपास एंट्रीज थी। सर गेस्ट के लिए तो मैं सबसे पहले जो कुलदीप सर हैं वो स्वयं यहाँ पे उपस्थित थे, उसके बाद हमारे हर सर हैं हमेशा सपोर्ट करते हैं, और सुधीर सर हैं, ललित सर, इंटरनेशनल रेफरी हमारे पास हैं वो हैं, सभी लोग यहाँ पे थे। तो आपका यहाँ मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा, सॉरी भूल गया, दीपक कुमार जी, और दीपक कुमार जी के बारे में बताऊंगा, वो स्पोर्ट्स लवर बहुत हैं, उनका ही सपोर्ट है जो इवेंट सक्सेस हो गया सर, उनसे हर स्टेप बाय स्टेप हमें इंफॉर्मेशन मिलना ये उन्हीं के कारण हुआ है सर। तो लास्ट में यही कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है अंदर जितना भी है, और बहुत अच्छी तरीके से फाइट्स चल रही हैं, ज़्यादा भीड़ नहीं है, प्रॉपर गाइडलाइंस सारी फॉलो हो रही है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट हमें लगा यहाँ पे, तो इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन सर एक यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज आपके चैनल के थ्रू मैं देना चाहूँगा, जो हम लोग चीज़ करना चाहते हैं स्पोर्ट्स में वो सिर्फ मेहनत से आएगी, ठीक है, गलत सही एक अलग चीज़ है, सिर्फ मेहनत करें और आगे बढ़ें, फेथ रखें अपने आप पर, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो तुम आप नहीं कर सकते, आगे बढ़ना है तो सिर्फ हिम्मत दिखानी है। थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।
दोस्तों हमारे साथ हैं मिस्टर अमित कोहली जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं वेस्ट दिल्ली ताइक्वांडो एसोसिएशन। तो सर यहाँ अपनी एक बच्चों की टीम लेके आए हुए हैं इस पर्टिकुलर इवेंट में और कुछ बच्चों ने यहाँ पे मेडल भी जीते हैं, तो बात करते हैं सर से। सर वेलकम टू द चैनल जी। तो सर यहाँ पे आपके कितने बच्चे हैं? सर मेरे टोटल यहाँ 12 से 13 बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है, इसलिए कुछ बच्चों ने गोल्ड भी लिए हैं, ब्रॉन्ज भी जीते हैं, सिल्वर भी जीते हैं। कोशिश यही है जैसे से ज़्यादा जो पीरियड निकल रहा है हमारा करना था, जाते हैं हमारे बच्चे, अभी आस्था है, तमी है, बच्चे मुस्कान है, अच्छे बच्चे परफॉर्म किया और मेडलिस्ट भी मेडल मिली आज इन्होंने। तो आपका नाम क्या है? मुस्कान बावल। ओके मुस्कान, आप स्कूल में कौन सी क्लास में हो? 12th, क्लास 12th। क्लास 12th में, तो जैसे क्लास 12th में हो, एक अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी पैटर्न होता है 12th का, तो आप कैसे मैनेज करते हो गेम्स? और अगर आपको करना होता है तो फिर आप कर ही लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप अपने टाइम टेबल को प्रॉपरली मैनेज करते हो, गेम्स के लिए भी टाइम निकालते हो प्रॉपर और स्टडी के लिए भी। आपके पेरेंट्स भी फुल सपोर्ट करते हैं? यस। आज आपने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल। कितना प्रिपेयर है अपनी फाइट के लिए? ऑलमोस्ट प्रिपेयर है, बट फिर भी होप है कि अच्छा हो जाए। वैसे डेफिनेटली अच्छा होगा, आप लोग इतने होपफुल है। अपने पर्टिकुलर कितना टाइम हो गया ताइक्वांडो ज्वाइन किए? 3 years. तो रेगुलर प्रैक्टिस में है आप कंटिन्यूस? थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं कुछ किड्स और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल गेम्स में ताइक्वांडो में, तो ये इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आशिया। आशिया आपका नाम? सिमोन। आपका नाम? स्नवी। तो आप सब लोग एक ही स्कूल में पढ़ते हैं? इंद्रप्रस्थ गर्ल्स स्कूल। ओके, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन, आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था इंटरनेशनल गेम्स में ताइक्वांडो में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उसके? स्टार्टिंग में तो बहुत डर लग रहा था, कि इतने सारे अच्छे कंपेटिटर्स थे और इतने अच्छे लेवल के थे सारे, बट चाहे हमारे कोई मेडल नहीं आया, लेकिन वो एक बहुत हेल्पफुल एक्सपीरियंस था, हमने उससे बहुत कुछ सीखा। आपका कैसा एक्सपीरियंस? यही कि पहले तो टेंशन में थे कि इंटरनेशनल कंपेटिटर्स हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, टेंशन एंग्जाइटी वगैरह, बट एक बार जब मैट पे चढ़े परफॉर्म करा तो कॉन्फिडेंस बढ़ा है उससे, तो काफ़ी हेल्प हुई है। तो अच्छा सर, जैसे स्कूल में एनवायरनमेंट जिस तरह का होता है, मोस्टली आज के डेट में देखें स्टडी का ज़्यादा रहता है, तो स्कूल का किस तरह से इन्वॉल्वमेंट रहता है बच्चों की ट्रेनिंग में सपोर्ट के लिए? सर हमारे स्कूल का कहना है इक्वल है और बहुत ही बैलेंस है। हमारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो हमने बनाए रखी है स्कूल के, जो हमारे HOD हैं, वो सब ने बहुत इक्वल तरीके से करा है, शेड्यूल किया हुआ है उसको कि प्रॉपर इस टाइम पे बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। हमारी मॉर्निंग प्रैक्टिस शेड्यूल है, हमारे पास इवनिंग एकेडमीज के भी शेड्यूल है, उसमें बच्चों को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कराई जाती है जो अच्छे परफॉर्म करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आपके एक्सपीरियंस को सुन के। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी भी गेम्स चल रहे हैं, शाम हो चुकी है, अगर बच्चों के जोश में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। यह है दिल्ली ओलंपिक्स गेम जूनियर ताइक्वांडो चैंपियनशिप, जहां सुबह से बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया अपने गेम्स में और अपनी अपनी कैटेगरीज में मेडल जीते। तो ये जूनियर कैटेगरी की फाइट थी, अब आने वाले टाइम में इसकी सीनियर कैटेगरी की भी फाइट होंगी। दिल्ली ओलंपिक्स गेम सीनियर कैटेगरी के लिए भी एक अलग से इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला है, जिसकी डिटेल हम जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या इस पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड या इवेंट से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम उनका जवाब लेके आपके पास आएंगे। अगर आप भी अपने किसी टूर्नामेंट या गेम्स को हमारे थ्रू कवर कराना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके पास पर्टिकुलर गेम और इवेंट कवर करने के लिए ज़रूर पहुँचेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें सभी के साथ में। थैंक यू वेरी मच।